और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यालय का आज 2 साल पूरा हो गया है। कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि सत्ता और संगठन को मजबूत बनाने का काम इन 2 सालों में किया गया है, साथ ही संगठन में सभी को जोड़कर आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले मरकाम जी, 2 साल की बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। संगठन को लेकर लगातार आप चले हैं और किस तरह से मजबूती देखते हैं संगठन में आपके आने के बाद? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए हैं। इन 2 वर्षों में मेरा कार्यकाल मैं कह सकता हूँ कि स्वर्णिम कार्यकाल था, जिसमें इस बीच में जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे 3 उपचुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सभी में जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं हाँ, माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियाँ, उपलब्धि और हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों के मेहनत के बदौलत ये सब संभव हुआ है। कहीं ना कहीं इस कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे जाबाज साथी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, संगठन को मजबूती तो प्रदान किए, 2 साल कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री नाराज चल रहे थे, क्या था ये पूरा? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी नाराज का सवाल ही नहीं उठता। सत्ता और संगठन में तालमेल की बदौलत ही हम ये सब असंभव को भी हमने संभव कर दिया। दंतेवाड़ा उपचुनाव हर कोई कहता था कि सहानुभूति का सर है, कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती, वो हमने जीता। और मरवाही जो जोगी जी का गढ़ हुआ करता था, उस किला को भी हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से ध्वस्त किया। तो हम कह सकते हैं कि सरकार की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, पूनिया साहब का आशीर्वाद और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है, जिनके बदौलत ये सब असंभव को भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संभव कर दिखाया है। अच्छा, ये लोकसभा को छोड़ दिया जाए तो आपका 2 साल स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाएगा, क्या खास वजह इसके पीछे? देखिए, हम लोगों ने एक टीम भावना के साथ काम की। हाँ, चाहे हमारे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी का हमने सम्मान किया है। उनकी जो भी बातें हैं, उन बातों को सुना है और उनकी उन समस्याओं को हमने निराकरण करने का प्रयास किया है। एक कमांडर की जो भूमिका होती है, उनके सैनिक क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, संगठन के बारे में, उन बातों को हमने सुनने का प्रयास किया है। हमें लगता है उसी का सुखद अनुभव, सुखद अनुभूति हम कह सकते हैं कि सभी चुनाव में हमें जीत मिली है। सत्ता और संगठन का तालमेल बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। संगठन में आप हैं, सरकार बैठी है उधर, किस तरह, कितनी मुश्किल हुई है दोनों में तालमेल बैठाने? देखिए, हमने कोशिश की है, सरकार में जो बैठे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, मंत्रिमंडल के सदस्य हो, उनका भी सम्मान करना हमारी दायित्व है। और हमारा जमीनी कार्यकर्ता जो 15 सालों से संघर्ष किया है, उनकी बातें भी हम लोगों ने सुना है, इसीलिए हमें लगता है तालमेल के साथ हमने, आपने देखा होगा इन 2 वर्षों में हमने संगठन का, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी हो, जिला कार्यकारिणी हो या ब्लॉक कार्यकारिणी हो, हमने सबका विस्तार हुआ है। तो नहीं के बराबर कहीं विरोध भी नहीं हुआ। तो हम उन जमीनी कार्यकर्ताओं की भी बात सुनिए, जिसके बदौलत आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस संगठन एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, रेवड़ी अभी तक से बट नहीं पाई है, कार्यकर्ता जो है वो नाराज चल रहे हैं, कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे अभी संबंधित आना है लोगों को, लगता नहीं 2023 की तैयारी करें? अरे पर रेवड़ी बांट दीजिए, कार्यकर्ता खुश हो जाए, फिर 23 की तैयारी करिए। 15 साल हमारे कार्यकर्ता नाराज नहीं हुए, तो इन 2.5 वर्षों में नाराज हो ही नहीं सकते, इसलिए कि 2018 में हमारी सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव, 3 उपचुनाव, चुनाव नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, पूरा साल भर चुनाव में निकल गया। और 1.5 साल से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता भी समझते हैं सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ है। अगर हम रेवड़ियां, जो आपका जो बात है, वो अगर बांटते हैं तो आप ही और मीडिया के साथ ही और फिर दूसरे लोग, विपक्ष के लोग कहेंगे इस कोरोना काल में भी सरकार अपनों को उपकृत करना चाहती है। हमारे कार्यकर्ता त्याग बलिदान समझते हैं, है ना, विषम परिस्थितियों में भी सरकार के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और नई ऊर्जा के साथ 2023 और 2024 के चुनाव में हम जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अब बात की जाए तो आपके हिस्से में केवल चुनाव आया है, कार्यकाल ले ले, 2 साल का ले ले, अब आने वाले फिर 2 साल बाद फिर से चुनाव है, जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है आपके पास, आप 2023 में किस तरह से, कितनी उम्मीदें 2023 को लेकर? देखिए, हाई कमान ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो जिम्मेदारी दी है,
उस जिम्मेदारी को हम अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते हैं। संगठन के एक मुखिया होने के नाते हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके हम काम कर रहे हैं। अगर ऐसे अवसर काम करने का मिला है, हम अपने कार्यकाल में जो अवसर है उस अवसर का भरपूर उपयोग करके हम जमीनी स्तर पर माननीय भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों को संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल कहा जा सकता है कि अवसर मिला और अवसर तो आपदा जो है, आपदा पे अवसर की खोज की तलाश में खुद मरकाम जी निकले। हम उम्मीद जताते कि 2023 में इसी तरह से इनकी ही सरकार बनेगी, ऐसा इनका कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर 2023 में किसकी सरकार बनाती है। कैमरामैन अभिषेक डरसेना के साथ अंकिता शर्मा, इंडिया न्यूज़।